को भाई कोहिनूर लिखा हुआ है इसके ऊपर। मुंबई क्लाइमेट सेट है भाई। ये था भाई 51 लाख का। आज देखते इसका प्राइस कितना है। आ जाओ, इसका पिछवाड़ा देखो भाई कैसा है। इसका प्राइस क्या है? इसका 7 लाख रुपए। 7 लाख प्राइस है। तो भाई फिर से स्वागत है आपका एशिया की सबसे बड़ी मंडी में, देवनार में, जो है भाई इधर दिखाओ बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको। इंसान से भी बड़ा भाई बकरा है, उसका सर देखो, ये वो आदमी से ऊपर भी जा रहा है सर। इतना बड़ा बकरा है भाई, मतलब भेज जितना बकरा है। अब बस एक मिशन है अपना कि उसको ढूंढना है, और उसको ढूंढ के उसका प्राइस देखना है कितना, और उसका वजन कितना है वो ही देखना है भाई। पिछले बार अपने देखा था 220 किलो के आसपास और 51 लाख रुपए का तक का बकरा देखा था, ठीक है। इस बार देखेंगे भाई वो बकरे का प्राइस क्या रहेगा, उसमें कौन सी खासियत है। चलो भाई फटाफट इसको ढूंढते हैं किधर है। ये देखो भाई थोड़ा अंदर आ गए तो उधर भी बोर्ड लगा है। ये देखो तो भाई, ये देखो ये मस्जिद है और इधर बैनर भी लगा पड़ा है भाई। कितना बड़ा यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इसके देखने के लिए। और ये मस्जिद है, टूटी फूटी लग रही है कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि अभी बंद है शायद। देखते हैं भाई अंदर जाके क्या सीन है, क्या नहीं, अंदर है कि नहीं, क्या प्राइस है, सब देखते हैं। आ जाओ। तो भाई वो जो अंकल थे फोटो में वो मिल गए, अभी अपने वो लेके जा रहे हैं उधर जिधर बकरा रखा है उन्होंने। चलो भाई, डेली के कम से कम इधर 1 से 1.5 लाख बकरे आते हैं, बिक भी जाते हैं। इतने बकरे आते हैं, बिकते आते हैं, बिकते। ये देखो भाई इधर है भाई साहब, भाई ये तो इधर तक आ रहा है भाई, छाती तक आ रहा है, इतना बड़ा है। तो इससे बड़ा भी था वो जो बोर्ड पे था, वो इससे बड़ा था ना, वो इससे बड़ा था। तो वो किधर गया? इससे बहुत बड़ा था वो, बिक गया। अच्छा वो कितने का बेचा? वो पहले का है, अभी का नहीं है। पहले का है वो। अच्छा वो देखो उधर बोर्ड पे फोटो लगा रखा है उन्होंने, मतलब फोटो के लिए खाली रखा है आपने उसको, बाकी ये बड़ा अभी फिलहाल में यही है। इसका वजन कितना रहेगा? इससे बड़े भी थे, भी थे बड़े और थे वो दे दिए। अच्छा इसका वजन कितना रहेगा? इसका वजन 170 किलो। 170 किलो। अच्छा लेकिन ये हाइट में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये देखो 48 हाइट है, क्या बात है। इसको खड़ा करेंगे तो पूरा इधर तक आ जाएगा लगता है भाई, खड़ा करेंगे तो पूरा इधर तक आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ये तो भाई साहब। ये देखो भाई। और रही अंकल इसके प्राइस की बात, तो इसका प्राइस क्या है? 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए इसका भी? हाँ। मतलब 170 किलो का इसका 4.5 लाख। और वो जो था वो कितना किलो का था? वो तो बहुत अजूबा था, वो तो यार बहुत अजूबा था। हाँ। मतलब फिर भी कितना किलो का था वो? वो तो करीब करीब 300 भी पहुंच जाता, कोई ऐसी वो नहीं। अच्छा 2-2.5 साल बनता तो 300 किलो भी पहुंच जाता। अजूबा था वो, अजूबा अजूबा था भाई। यार वो देखने नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो देख लिया। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो देखने मिल गया अपने को। अलग कलर का है, घोड़े के कलर का दिख रहा है, तो घोड़ी की तरह दिख रहा है पूरा। तो चलो भाई और भी बकरे देखते हैं कौन से यूनिक मिलते हैं कि नहीं। भाई आज मैं आपको ऐसा बकरा दिखाऊंगा भाई, ये देखो इसका पिछवाड़ा देखो भाई कैसा है भाई टैग करो अपने दोस्त को जिसका पिछवाड़ा ऐसा है। तो भाई ये पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ये बकरा, ठीक है। ये था भाई 51 लाख का। आज देखते इसका प्राइस कितना है। आ जाओ। तो अंकल क्या क्या लिखा है इसके ऊपर? ये मोहम्मद लिखा हुआ है, ये अल्लाह लिखा हुआ है, ये चांद तारा बना हुआ। अच्छा ये मोहम्मद लिखा है, ये अल्लाह और ये चांद तारा। अच्छा और इसका प्राइस क्या है? 51 लाख। 51 लाख, मतलब भाई आज भी उतना ही प्राइस है, कल भी पूछा था हमने 51 लाख ही था। कुछ कम ज्यादा करोगे कि नहीं? होगा क्यों नहीं, कम पर कस्टमर आएगा लेने वाला तो होगा। अच्छा कोई कस्टमर आएगा तो उसको कम ज्यादा करके मिल जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अच्छा कॉम्प्रोमाइज ये सब हो जाएगा, बाकी इधर नंबर वंबर सब दे रखा है भाई इन्होंने। जिसको भाई खरीदना है कॉन्टेक्ट करके खरीद सकते हो 51 लाख रुपए बकरा। मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा भाई इतना बड़ा। आज तक मैंने जितने बकरे खाए रहेंगे ना उतना उसका प्राइस हो जाएगा भाई 51 लाख, लेकिन इतना एक टाइम पे। और भाई ये देखो ये जा रहे मेंढे, कितनी भीड़ में जा रहे हो, कितना मारते मारते लेके जा रहे हैं भाई फटाफट फटाफट। भाई साहब बहुत रश है इधर, बहुत मतलब बहुत बकरे भरे पड़े भाई, बहुत बकरे। और इतना बड़ा मार्केट है ना भाई कि आप घूमते घूमते थक जाओगे, इतना बड़ा मार्केट है। तो भाई इधर देखो, इधर कौन सा अलग बकरा मिल रहा है? ये देखो चांद तारा बकरा, ओए मार रहा है ये तो। चांद तारा बकरा लिखा है भाई, कौन सा बकरा है भाई ये कौन सा बकरा है? देसी, कर्नाटक से। देसी कर्नाटक से आया है, मतलब इसके ऊपर क्या है चांद तारा लिखा है इसलिए। हाँ। इसलिए इसका बोर्ड लगा रखा है। और उसका प्राइस क्या है? इसका 7 लाख बोले। कितना? 7 लाख। 7 लाख भाई, 7 लाख रुपए प्राइस बोल रहे इसका। चांद तारा इधर लिखा हुआ है इसलिए, ये देखो ऐसा निशान है, ठीक है। और इसके ऊपर भी है, ये देखो भाई इसके ऊपर भी है, लेकिन ये मारने के लिए तुल जाता है भाई। ये देखो पाव वाव तैयार कर रहा है मारने के लिए, है मार मत भाई। बहुत जोशीला है भाई, मार वार देगा भाई। चलो इधर से कल्टी मार लेते हैं। और भाई इधर देखो कौन सा नया बकरा दिख रहा है, एकदम अलग दिख रहा है। ये देखो भाई साहब इसके बाल भी एकदम अलग है, और इधर भी बाल देखो कितने बड़े बड़े बाल रखे हैं भाई इन्होंने। दिखाओ भाई कैसे बड़े बड़े बाल है।
भाई ये साइज में थोड़ा बराबर ही ठीक ही मीडियम साइज है, बट भाई दिखने में एकदम अट्रैक्टिव है, इसलिए इसका प्राइस पूछते क्या प्राइस रहेगा। ठीक है भाई, कैसा प्राइस है इसका? 1,10,000। 1,10,000 भाई, 1,10,000 का प्राइस है इसका। दिखने में अट्रैक्टिव है एकदम, वजन कम है लेकिन भाई एकदम अलग बकरा है, एकदम नया। और भाई ये बकरे के सींग देखो कैसे, ये देखो भाई, मारना दे, ये देखो सींग भाई साहब, जूम करके दिखाओ क्या सींग दिख रहे हैं भाई, एकदम अलग। और इधर भी एक है, इसके सींग देखो भाई, भाई साहब मारने ना आ जाए भाई, बस चलो चलो चलो, किसी को मारे तो क्या भाई, घुस घुस जाएगा, मर जाएगा जगह भाई। इधर देखो कौन सा अलग बकरा है एकदम, ये देखो भाई पूरा डिजाइन दिखाओ इसका, क्या करा रखा है भाई। और इधर नाम भी लिखा रखा है, ये देखो प्लेट पे इसका, कोहिनूर। हाथ लगाऊं? हाँ लगाइए लगाइए, पकड़ा ये देखो भाई, कोहिनूर लिखा हुआ है इसके ऊपर, मुंबई मुंबई क्लाइमेट सेट है भाई। अच्छा, इसका प्राइस क्या है भाई? माशाल्लाह इसका प्राइस है भाई 90,000 में। यस, और छह दांत है भाई, छह दांत फ्रेश है, 70 किलो 70 किलो 70 kg है भाई। ने पूछने से पहले ही बता दिया सब, वजन वजन सब बता दिया इन्होंने, क्या जबरदस्त दिख रहा है भाई, हाथ मत लगाओ भाई। मार एग्रेशन झालर, मुंबई क्लाइमेट सेट है भाई, नंबर ले सकते हो आप। फाइट वाइट करता है ये, माशाल्लाह दूर से खड़े रह के देख लो, अभी कभी लग गया तो बोलना ना। नहीं भाई भाई नहीं, मैं तो साइड में खड़ा रहूंगा, मुझे मार नहीं खानी बकरे से। चलो भाई, बाकी नंबर बता दो आपका, कांटेक्ट करना रहेगा तो 9833-412946। तो चलो भाई, ये तो बकरा देख लिया, अभी और भी कुछ नए नए बकरे दिखते हैं वो भी देखते हैं, आ जाओ। पर भाई इधर एक देखो बोर्ड लगा पड़ा है, इधर दो बकरे है, एक बार मैंने पहली बार देखा है एक बोर्ड पे दो ही बकरे लिखे, और इधर लिखा भी पड़ा है इन्होंने सब डिटेल्स, अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ बकरा, ठीक है। और इधर देखो निशान भी कर रखा है कि किधर नाम लिखा है किधर नहीं है, बाकी जिसको चाहिए वो कांटेक्ट करके ले सकता है, कांटेक्ट नंबर ये सब देख चुका है। लेकिन इधर तो बकरे अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब शायद बिक गया होगा कि क्या होगा पता नहीं है भाई, किधर कोई है ही नहीं तो क्या पूछेंगे। चलो अभी दूसरा देखते हैं और क्या क्या है भाई नया नया। क्या सींग है भाई इसका, एकदम बड़ा। ओए क्या कर रहे है भाई तू, किस ले लेगा रेंदे, एकदम अट्रैक्टिव है भाई, इसको देख के मैं भागा भागा आ गया भाई, इतना बड़ा है। और भाई पिछला वाला चांद का अपन ने देखा, वो था कुछ 7 लाख का बराबर, और ये वाला चांद अभी इधर मिल गया भाई, रस्ते पे बेच रहे हैं, इसका बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है, बट भाई इसका प्राइस पूछते हैं कितना है, इसका प्राइस क्या है? इसका 7 लाख रुपए। 7 लाख प्राइस है, इसका भी 7 लाख है, उसका भी 7 लाख। और इसका वजन कितना है? इसका 1 क्विंटल है। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो के आसपास, 100 किलो के आसपास इसका भी वजन है भाई, इसका भी प्राइस 7 लाख रुपए भाई, इतने महंगे महंगे बकरे मिल रहे। चलो कोई बात नहीं, और कौन से नए देखते हैं, आ जाओ। और भाई रही बात इसके प्राइस की, इसका प्राइस तो पूछना भूल गया अपन भाई, इसका प्राइस क्या है? 75,000 भाई, ये तो सस्ता है फिर, 75,000 में मिल रहा है, मतलब उस हिसाब से सस्ता है, एकदम अट्रैक्टिव भी नया है। बाकी भाई मैंने 7-7 लाख 50-50 लाख के देख के भाई दिमाग खराब हो गया है, ये कुछ सही है, मतलब इतना सस्ता पहली बार देखा है अभी तो। भाई फिर से अपना खाने का मन हो गया, हलवा पराठा, ठीक है अंकल कर दो हलवा पराठा 1.5 किलो। हलवा पराठे का मज़ा ही अलग आता भाई। ओहो हो भाई, ये पराठे का तुम लेयर देखो भाई, ये देखो, और पूरा तेल में ऐसा सेका जाता है ना भाई, इसलिए इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका भाई। खाने के बाद मेरे को लगता है भाई इससे बढ़िया कुछ स्वीट में हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया लगता है भाई मेरे को। तो चलो भाई इसको बैठ के आराम से खाता हूँ, वीडियो करते हैं यहाँ पे ही खत्म, वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। यही था भाई आज का कुछ अलग अलग बकरी दिखाने का वीडियो, मजा आ गया भाई, मतलब हर रोज मैं आता हूँ कुछ अलग अलग देखने मिलता ही मिलता है मुझे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने पेज पे नए हो तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी बेहतरीन बेहतरीन और नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कांदा, बाय बाय, टेक केयर।